पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के थाना गलशहीद में उस समय सनसनी फैल गई जब जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने दो सगे भाइयों को दिन दहाड़े गोली मार दी। दो घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मुरादाबाद के बीच स्थित असालतपुरा में शाम के समय उस समय गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। दरअसल यहाँ पर रहने वाले दो परिवारों के बीच एक जगह को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, जिसमें आज विवाद और गहरा हो गया और कब्जे की जंग में दो सगे भाइयों को गोली मार दी गई। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी पक्ष के राजू सहित कई लोगों ने उसके भाइयों को घेर कर गोली मारी है। उसके भाई जाफर और जुनैद को गोली मारी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिन दहाड़े हुए गोलीकांड के चलते थाना गलशहीद पुलिस भी सकते में है और गहराई से जांच करने की बात कह रही है। मामले में जानकारी देते हुए सीओ कटघर सुदेश गुप्ता ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। गोली मार दी? किस किस को लगी है? दो भतीजों के मेरे, मतलब ये क्या, एक जाफर और एक जुनैद। कहाँ कहाँ लगी है? एक के यहाँ है लगभग, और एक के बाजू में दिख था खून। अच्छा, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं देहात के, उनसे क्या आपके पर संबंध है? वो मेरे चाचा हैं समाजवादी के जो, मगर मैं बीजेपी में हूँ और लगभग 25 सालों से हूँ, और मैं अपने उसी बिना पे लोग बाग में से ज्यादा रंजिश रखते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं भाजपा का हूँ इस लिहाज से। अच्छा, तो आप रईस कुरैशी साहब अल्पसंख्यक महानगर मुरादाबाद के जो है मकबूल महानगर, इस बात की रंजिश को लेके भी क्या बोली? बिल्कुल, बहुत बड़ी रंजिश है ये, क्योंकि मैं मतलब ये कि प्रचार जो भी करता हूँ वो भाजपा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 2-4 वोट 100 वोट 500 वोट भाजपा को पड़े, ये अच्छा नहीं लगता इन लोगों को। तो इस बार के चुनाव में भी क्या आपने भाजपा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, उसी की रंजिश को लेके। और क्या रंजिश है इनकी, इनकी रंजिश क्या है? यही रंजिश है कि आपने भाजपा को जी, हाँ, ये चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई बदमाशी नहीं करे, कोई नेतागिरी नहीं करे, ये नेतागिरी बदमाशी की करते हैं सब। ये प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो परिवारों में झगड़ा चल रहा है, उसी में तीन भाइयों द्वारा दो सगे भाइयों की गोली मार दी गई है, जिनमें एक के कंधे पर गोली लगी है और एक के सीने में गोली लगी है। दोनों का अस्पताल एडमिट कर दिया गया है और इनकी सूचना तहरीर के आधार पर विवेचना की जाए। 85 मीटर के प्लॉट को लेकर इनका आपस में आमने सामने पड़ोसी हैं, इनका विवाद चल रहा था, यही संबंध में गोली मारी। सर, आरोपी और जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जिसके वो ये आपस में जिससे ये सब अभी जांच में आएगा, अभी इस संबंध में पूरी जानकारी। सर, किसी विधायक के रिश्तेदार बताया है क्या? क्या ये अभी सब जानकारी में नहीं आया है, ये सब विवेचना के दौरान जो भी आएगा उसको बताया जाएगा। गिरफ्तारी है सर, प्रॉपर्टी विवाद को लेके इनका आपस में झगड़ा होगा। तो क्या अभी तक इसमें कोई गिरफ्तारी हो पाई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।